और 425 किलोमीटर का रेंज हमें मिल सकता है। बट क्या लग रहा है प्रवीण, अब स्पीड स्लो हो गया है हमारा? स्पीड थोड़ा स्लो हुआ है क्योंकि अचानक से रेंज में फ्लक्चुएशन हुआ है, बहुत तेजी से डिप्लीट कर रहा है। सो गाइस, बैटरी 13% हो गया है और एज सच अभी तक कोई डिफरेंस नहीं आया है परफॉर्मेंस में। तो ऐसे कुछ इस टेक्निक से कार मैन्युफैक्चरर अश्योर करता है कि आप लास्ट माइल में अपने सेफ लोकेशन तक पहुंच पाओ। क्या सेंस बनता है, क्या मतलब है ऐसे चार्जिंग स्टेशंस का जहां पे और भी कार पार्क कर दे रहा है। तो फाइनली दो बार चार्ज करने का कोशिश किया गया, एक बार तो अमाउंट डिडक्ट हो गया और arcade.tv एंजॉय करने का टाइम आ गया लग रहा है प्रवीण। अब ये सेफ हो गया क्या, चार्ज हो तो गाड़ी के अंदर बैठ सकते। तुम कौन सा कैरेक्टर चूज करोगे? मैं चूज करूंगा ये लड़की वाला। मैं भी आज लड़की बनता हूँ। पहले लगता था RKDV क्यों दे रहे हैं, गाड़ी में गेम कौन खेलता है, लेकिन अब समझ में आया गाड़ी में गेम कौन खेलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटो जर्नल इंडिया। आज मैं मृणाल और मैं प्रवीण और हमारे साथ है टाटा की Nexon.EV। ये है काफी प्यारी कलर लगती है मेरे को, एम्पावर्ड ऑक्साइड, एंड ये है लॉन्ग रेंज वर्जन। तो कितना बैटरी साइज है प्रवीण, कितना किलोमीटर चलना चाहिए इसे? बैटरी साइज जो है मृणाल वो 40.5 किलोवाट का है और लगभग जो क्लेम रेंज टाटा मोटर्स की तरफ से है वो 460 किलोमीटर की है और अभी हमारे जो डैश पे है वो अराउंड 400 किलोमीटर की है। करेक्ट। हम जा रहे हैं दिल्ली से देहरादून जो कि है अराउंड 230 किलोमीटर। तो हम टू एंड फ्रो करने वाले हैं या थोड़ा रुकने भी वाले हैं? टू एंड फ्रो भी किया जा सकता है, बट अगर कोई इंटरसिटी करने का प्लान कर रहा है तो वो कर सकता है कि नहीं? 460 क्लेम करता है ARAI फिगर से, ये तो रियल लाइफ में कितना मिलेगा वो देख लेंगे, जरूरत पड़ता है कि नहीं वो देख लेंगे, और अगर चार्ज करेंगे तो ओवरऑल जर्नी का क्या कॉस्ट आएगा, क्या एक्सपेंडिचर रहता है वो बताएंगे, और अगर आप पेट्रोल या डीजल कार से जाओगे तो कितना खर्च करोगे वो बताएंगे। और ये जर्नी मृणाल थोड़ा स्पेशल होने वाली है हम दोनों के लिए भी। मृणाल के लिए इसलिए क्योंकि इन्होंने टाटा सफारी स्टॉर्म ओन की है, तो टाटा गाड़ी के साथ मुझे लग रहा काफी दिनों बाद बिल्कुल इस रूट पे ये लंबा कुछ ट्रेवल करने वाले हैं, और मेरे लिए इसलिए क्योंकि मैं इस रूट पे डीजल और पेट्रोल कार के बिना आज तक ट्रेवल नहीं किया है, ईवी से फर्स्ट टाइम है लंबा काफी, और मुझे भरोसा है क्योंकि रेंज जब मैं देख रहा हूँ ना अराउंड 386 किलोमीटर की दिखा रहा है, तो देहरादून तो पहुँच जाएंगे। और रूट काफ़ी सीनिक होने वाला है, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सब भी आएगा, रूट्स अच्छे भी होंगे, हाईवे अच्छे होंगे, तो स्पीड भी हम लोग मेंटेन करेंगे एक डिसेंट स्पीड जो नॉर्मली आप करते हो, ऐसा नहीं कि 50-60 पे चलने वाले। तो देखते हैं कैसा रहता है रिजल्ट, और आपको आपको स्टेटस मिलता रहेगा बैटरी का अलॉन्ग विद दैट रूट का। तो बने रहिए वीडियो में, आशा करते हैं आपको पसंद आए। तो कार करते हैं स्टार्ट, एंड गाड़ी स्टार्ट हो गई है, रेडी लिखा हुआ आ गया, एंड गियर सेलेक्टर से हमने डी सेलेक्ट कर लिया है। मोड अभी सिटी पे है, रेंज 355 किलोमीटर है, एसी ऑन है, यही अगर इको पे कर लें तो 377 है, एंड स्पोर्ट पे 338 है। तो डिफॉल्ट सेटिंग से सिटी पे ही रहता है, बट व्हील शिफ्ट टू इको अभी के लिए, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पेडल शिफ्टर टाइप का। तो ये रीजन मोड्स हैं, रीजन मोड्स मोस्टली L2 या L1 पे ही रहता है, व्हील शिफ्ट टू L3, और ये भी रेंज बढ़ा देगा, 383 किलोमीटर्स का रेंज हो गया है। AC ऑन है, 99% बैटरी है, AC ऑफ करते हैं और 425 किलोमीटर का रेंज हमें मिल सकता है, बट व्हील कीप द AC ऑन। तो चलें प्रवीण। बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट टाइम और ऐसा लग रहा है कि रेंज रोवर में बैठा हूँ, ये सब स्टीयरिंग देख के ना और ये चीज स्पेशली देख कर लग रहा है कि रेंज रोवर में हूँ, नो डाउट। बस ये थोड़ा मिस कर रहा हूँ कि वो डिजिटल वाला लग जाता और मजा आती ना। हाँ, वो ब्लू कलर का उसमें, हाँ, जो पुराने वाले में आता था वो और अच्छा लगता था, बट ठीक है लेट्स गो। तो मैंने 90 पे सेट कर रखा था क्रूज कंट्रोल, अभी मैंने कम करा है, अभी 85 कर दिया है, एंड बहुत ही तेज़ी से रेंज नीचे आया है, 90% 89% हो गया, एंड अभी AC ऑन किया तो 279 किलोमीटर का रेंज है। 8138 ओडो पे है, रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए स्पीड बढ़ा के रखा था, 90-91 ऐसे रखा था, बहुत तेजी से डिप्लीट कर रहा है। मे बी अब क्रूज कंट्रोल ऑफ करते हैं, फिर देखते हैं क्या रहता है इसका परफॉर्मेंस। सो मेरठ टोल प्लाजा पहुंचने वाले हैं हम लोग, सामने आप देख सकते हो वहाँ पे टोल, एंड बैटरी अपडेट ये है कि 84% चार्ज्ड है, 250 किलोमीटर का रेंज है विद AC ऑन, इको मोड, एंड क्रूज कंट्रोल सेट कर रखा है 70 पे। क्या लग रहा है प्रवीण, अब स्पीड स्लो हो गया है हमारा? स्पीड थोड़ा स्लो हुआ है क्योंकि अचानक से रेंज में फ्लक्चुएशन हुआ है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं मृणाल, मुझे लग रहा है हम लोग बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। अब मुझे लग रहा है कि अब असली टेस्ट अब शुरू होगा मेरठ के आगे, क्योंकि रोड जो है वो 2 लेन, वो 6 लेन थी, अब नॉर्मल जो बेसिक
फोर लेन होती है या नॉर्मल पतली सड़क होती है वो होने वाली है, ट्रैफिक मिलने वाला है, ब्रेक वगैरह सब लगने वाला है, रीजन भी होता रहेगा। तो अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि असली सफर शुरू होने वाला है। बीच में बैड पैचेस भी आने वाले, हरिद्वार आएगा, रुड़की आएगा। देखते हैं कि देहरादून में पहुँचते कितने बजे हैं और किस टाइमिंग से। प्लाजा आ चुका है एंड रेंज अपडेट है 76% बैटरी बच रहा है, 226 किलोमीटर रेंज है एंड 8184 किलोमीटर चल गए हैं। सो यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा था और थ्री लेन फोर लेन नहीं था तो आराम से। सो द अपडेट इज 76% पे रेंज 233 किलोमीटर बच रहा है एंड हमने 99% पे स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट 100 एंड तब 8113 किलोमीटर ओडो पे था एंड अभी 8184 किलोमीटर है। तो ऑलमोस्ट कैलकुलेशन के हिसाब से 71 किलोमीटर हमने ड्राइव किया है एंड फॉर दैट इट टू गोज टू 24-25% बैटरी। तो इस हिसाब से देखते हैं 280 किलोमीटर का रेंज मिलना चाहिए एंड अभी फिलहाल हमें 179 किलोमीटर जाना है एंड 3 आवर्स और लग रहा है, सो वी विल रीच बाई 5 o'clock। और अभी का स्टेटस ये है कि 50% बैटरी चार्ज है, रेंज 153 किलोमीटर का है एंड ओडो पे रीडिंग 8274 है। तो अगर इस हिसाब से आप देखो तो अराउंड कैलकुलेशन के बाद हमें पता चला कि 89 किलोमीटर हमने ड्राइव किया है, करें हाँ 89 किलोमीटर, और पहले 99 टू 76 में हमने 71 किलोमीटर ड्राइव किया था। तो रीज़न क्या था इसका, ऑब्वियसली स्पीड। तो इसलिए मैंने बोला ड्राइविंग एन ईवी इज एन आर्ट। अगर मैं इसको 70-75 में रखता हूँ तो जितना ये रेंज क्लेम कर रही है वो उतना चलेगी। अभी जैसे 93 किलोमीटर हमें और जाना है एंड 153 किलोमीटर का रेंज है तो मैं ये नोट करना शुरू किया कि ये डिफरेंस बराबर रहे एंड 50 का डिस्टेंस है, 50 का गैप है। तो वंस वी रीच देहरादून इवन आफ्टर दैट वी विल बी हैविंग अ रेंज ऑफ एटलीस्ट 50 किलोमीटर। तो ये अब टारगेट है, तो देखते हैं कितना परसेंट बैटरी रहेगा अराउंड 25% पे, कितना रेंज बचेगा एंड वंस वी आर देयर इन देहरादून कितना परसेंट बैटरी बचता है। We face it all cause now we know that we can take it. We face it all cause we go big or we go home. Dance like you made it. One more tip which I would like to give you is the histogram. ये वाला feature almost all EVs में आप देखोगे ऐसा कुछ रहता है। तो जैसे आप kilometers कितना mileage निकालना है वो एक instant fuel economy वाला bar होता है उससे आप निकालते हो ना अच्छा mileage। Similarly यहाँ पे अगर आपको अच्छा range निकालना है तो you have to try कि graph जितना ज़्यादा linear हो पाए, जितना ज़्यादा straight हो पाए उतना ज़्यादा आपको range मिलेगा। And ऊपर जो आपको red वाला दिख रहा है that is the maximum power which you will be churning out। जैसे मैंने अभी एक्सेलरेट किया तो ये ग्राफ ऊपर को गया, मतलब ज़्यादा बैटरी लग रहा है एंड नाउ सिंस आई हैव लेफ्ट इट सो ये नीचे जाने लग गया एंड रीजन हो रहा है। सो ट्राई टू कीप इट एज लीनियर एंड द रेंज विल बी गुड। सो एक इम्पॉर्टेंट टिप था आपके लिए इफ़ यू ओन अ ईवी और इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाई एन ईवी। वी आर ऑलमोस्ट देयर, देहरादून पहुँच गए एंड आवर डेस्टिनेशन इज लाइक 16 किलोमीटर्स अवे। लश ग्रीन फॉरेस्ट एंड वेदर इज ऑल्सो वेरी नाइस एंड आपको ए क्यू आई चेक कराता हूँ। तो यहाँ पे देखो ए क्यू आई 8 एयर प्योरीफायर ऑन है बट इवन इफ इट इज ऑफ तब भी मैंने दिखाया था लास्ट वीडियो में आपको कितना सही है एंड अच्छी लग रही है चलाने में। सो गाइस बैटरी 13% हो गया है और एज सच अभी तक कोई डिफरेंस नहीं आया है परफॉर्मेंस में, बट मीनवाइल 360 डिग्री कैमरा काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। ऑन द गो आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो, अभी तो गंदा हो गया, अदरवाइज हाईवे पे काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। एंड इसके अलावा जब राइट या लेफ्ट लेते हो ना आप तो यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी मिल जाता है, 360 डिग्री कैमरा का ही एक पार्ट है तो वो भी अच्छा लगा। एंड परफॉर्मेंस में कोई चेंज नहीं है जैसा मैंने बताया, तो देखते हैं 10% और उसके नीचे जाता है तो क्या होता है एंड कितना चल पाएगी
ऑलमोस्ट 8373 किलोमीटर चल गई है, रेंज अभी भी 33 किलोमीटर का दिखा रहा है। एंड एक चार्जर है पास में तो वहाँ जा रहे हैं भाई। वो देखो कितना सही व्यू है, लाइट्स दिख रहे होंगे आपको ऊपर में, मसूरी है वो। और हमारी नेक्सॉन ईवी भी काफ़ी अच्छी लग रही है, बैकलिट लोगो काफ़ी अच्छा लग रहा है स्पेशली रात को। एंड ऐसे हिली एरिया में ना जब आप टर्न करोगे तो कॉर्नरिंग लैंप्स काफ़ी अच्छे हैं, जो फॉग लैंप वाले हैं तो राइट साइड करोगे तो आप राइट साइड वाले जल जाएंगे, लेफ्ट करने पर लेफ्ट साइड जल जाएंगे। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू कीप इट ऑन ऑल द टाइम तो यहाँ पे एक फॉग लैम्प वाला भी बटन है, इसको प्रेस कर लिया तो ऑल द टाइम जलता रहेगा, दोनों साइड एक वाइडर लाइट का सेक्शन आपका कवर करेगा। फाइनली लिमिटेड परफॉर्मेंस मोड एक्टिवेट हो गया है 10% के नीचे, अब चेक करना पड़ेगा परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आ रहा है। एंड रेंज दिखाना बंद हो गया है, रेंज की जगह रिचार्ज लिख करके आ रहा है। एंड अब मैं एक्सेलरेटर प्रेस कर रहा हूँ ना तो वो फील नहीं है जो नॉर्मली आपको मिलता है इको मोड या स्पोर्ट मोड, कोई सा भी मोड, मोड चेंज करके देखते हैं। तो स्पोर्ट मोड भी डीएक्टिवेटेड है ड्यू टू लो एसओसी, सिटी मोड, इको मोड कुछ भी नहीं, मतलब एक अलग मोड जैसा मैंने आपको दिखाया था एक और रेंज टेस्ट हमने लास्ट वाला करा था, तो एक इको मोड से भी ऊपर मोड जो होता है वो वाला मोड है। एंड 10% बैटरी पे रेड हो चुका है बैटरी, तो कितना किलोमीटर अब चलेगा, 30 किलोमीटर के अराउंड दिखा रहा था, 8378 किलोमीटर चल चुकी है कार। एंड यहाँ पे दो और लाइट्स जल करके आ रहा है, एक है रिचार्ज का एंड दूसरा भी रिचार्ज का ही है, नोटिफिकेशन आपको कुछ ऐसे से आ जाता है। एंड अब गाना वाना एसी तो परफेक्टली काम कर रहा है। प्रवीण कैसा लगा? बात ये है कि वेंटिलेटेड सीट्स अभी भी चल रही हैं। तो वेंटिलेटेड सीट्स ऑन है, लगता है ये भी सेकेंडरी बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, पहुंचने वाले हैं वैसे तो हम लोग चार्जिंग स्टेशन पे, बट मेरे को ना लास्ट का जो 10% रेंज बचता है पूरा उसको जूस आउट करने में, एक्सट्रैक्ट करने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पे जितना क्लेम कर रहा होता है ना, जैसे 30 किलोमीटर क्लेम कर रहा है तो 30 के जगह शायद से 40 कर दे। तो क्या बोलते हो प्रवीण, मसूरी चलने का? मसूरी चार्ज हो जाए तो रात में एक चक्कर मारा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जितना जाओगे रिटर्न होगे वापस से चार्ज हो जाएगी, लगभग आधा का आधा तो होगी चार्ज, तो ये कर सकते हैं। मसूरी जाने में मान लो 15% बैटरी लग गई, लौटने में 7% भी मिल गई वापस, क्योंकि स्पीड में लौटती भाई, ढलान है वो हंसी मजाक वाली ढलान नहीं है मसूरी की, तो मुझे लग रहा है काम हो जाएगा, तो आज लग रहा है मसूरी ऑन। नाइस। और रीजन का L1 L2 L3 मैं ऐसे चेक कर रहा था काम कर रहा है कि नहीं, तो ये स्टिल इट इज़ वर्किंग, सो बेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीजन मोड पर रखो ऐसे टाइम पर। सो या ये अपडेट है, अभी देखते हैं और कितना नीचे जा सकते हैं, इफ़ इन केस अभी रिस्क नहीं लेने का मन है, नया जगह है तो बाकी जो रिस्क लेने वाला काम होगा वो नोएडा में कर लेंगे, नहीं तो। जैसा हमने एम जी कॉमेट में टेस्ट किया था तो आपको मैंने दिखाया था एक हॉरिजॉन्टल लाइन खुद से ही जैसा आपको चलाना चाहिए, सो सिमिलरली यहाँ पे भी हिस्टोग्राम पे आपको जो बार दिखा रहा है ना उसमें मैं पूरा प्रेस कर रखा हूँ एक्सेलरेटर। तो ऐसे कुछ इस टेक्निक से कार मैन्युफैक्चरर अश्योर करता है कि आप लास्ट माइल में अपने सेफ लोकेशन तक पहुंच पाओ। हालांकि अभी तक एसी ऑफ नहीं हुआ है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो भी कुछ टाइम में ऑफ हो जाएगा, आई डोंट नो 9% हो चुका है, मे बी 5 के नीचे हो जाए। और प्रवीण अभी भी चल रहा है क्या वो वेंटिलेटेड सीट्स? वेंटिलेटेड सीट्स सही चल रहा है, तीनों ऑप्शन दिखा रहा है कि तीन लेवल पे आप उसका इंटेंसिटी एडजस्ट कर सकते हो, और ठीक है बेसिक फीचर्स तो है, इतना आपको प्री प्लानिंग सिखाती है गाड़ी, और लाइफ में डिसिप्लिन होना भी चाहिए, जैसे फ़ोन चार्ज कर लेते हो खट से ऑफ नहीं होने देते, गाड़ी को भी चार्ज करके रखो। हम लोगों ने आज थोड़ा काम की वजह से इसे इतने जगह पर लाया इस पोजीशन पे, नहीं तो 20 के नीचे ना जाने देते, तो हम लोग कोशिश करते हैं। सही अच्छा है, कितने 200 रुपए में आ गए दिल्ली से देहरादून? 200 तो नहीं, लगभग क्योंकि चार्ज किया था 450 रुपए, 450 रुपए चार्जिंग एंड बाकी टोल टैक्स इससे ज्यादा महंगा पड़ गया, तो इन गाड़ियों के लिए एक तो टोल फ्री हो जाए ना तब थोड़ा इनके लिए एडवांटेज भी है, थोड़ा एक अलग लेन मिल जाए, और बाकी चार आदमी थे 400 रुपए लगा, 100 रुपए के हिसाब से दिल्ली से देहरादून 200-250 किलोमीटर आ जा रहे, बचत है। नॉट बैड। टाइम ऑलमोस्ट 7:55 हो गया है, मैं यहाँ पे 7:45 पे आ चुका हूँ, चार्ज जोन का चार्जिंग स्टेशन है एंड मैं फेयरफील्ड बाई मैरियट देहरादून में हूँ। एंड आप देख सकते हो
कोई स्कोप नहीं है मेरे चार्जिंग का, क्योंकि यहाँ पे कैब वाले एंड नॉर्मली किसी ने पार्क कर दिया है। तो आई थिंक ये बहुत ही बड़ा इशू है, जितने भी लोग ईवी में ट्रैवल करते हैं ये बार बार कंप्लेन कर दिया इन्होंने, सबने किया है। मतलब मैं जितने भी लोगों को जान रहा हूँ, जब वो जाते हैं चार्जिंग स्टेशन पे तो वहाँ पे पार्किंग में कोई और ही कार खड़ी रहती है, तो क्या सेंस बनता है, क्या मतलब है ऐसे चार्जिंग स्टेशन का जहाँ पे और भी कार पार्क कर दे रहा है। तो कुछ प्रिकॉशन, मतलब कुछ तो सॉल्यूशन इसका भी होना चाहिए आई थिंक। मतलब आई डोंट नो व्हाट शुड बी डन, बट देन दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी सीवियर, वेरी सीरियस। बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है क्योंकि ऑलरेडी आप ईवी चला रहे हो ना, यू हैव टू प्लान योर ट्रिप अकॉर्डिंगली। अगर कहीं पे चार्ज करने को पहुंच भी रहो और वहां पे चार्जिंग के लिए ऐसी दिक्कत है तो फिर दिक्कत की बात है। तो भाई इसीलिए मैं पूरा रेंज टर्न आउट नहीं करना चाह रहा था। अब यहाँ पे तो हो गया काफ़ी टाइम एंड कोई स्कोप नहीं दिख रहा है मेरे को कोई आने का किसी का। तो एक और चार्जिंग स्टेशन है, तो अच्छे जगहों पे बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन मिल जाते हैं। और एक ऐप मैं पर्टिकुलरली अभी यूज़ कर रहा हूँ, ई हब बाई एम जी, वो अच्छा काम कर रहा है। टाटा पावर ईजेड भी है, स्टैटिक भी है, चार्ज जोन भी है, बट ये जो ई हब बाई एम जी है ना उसमें बहुत सारे, मतलब सारे के सारे, टाटा पावर ईजेड हो गया, चार्ज जोन हो गया, सारे के सारे आपको वर्किंग कंडीशन में नहीं है, कितने देर पहले वो यूज़ हुआ है, अवेलेबल है नहीं अवेलेबल है, तो सारा कुछ आपको दिखाता रहता है। अगर कोई यूज़ किया तो कितने टाइम पहले यूज़ किया ना, ये वाला फीचर काफ़ी अच्छा है। सो नाउ एक और वैसे ही मेरे को चार्जिंग स्टेशन मिला है, वहाँ जाते हैं, देखते हैं वहाँ का क्या सिचुएशन है। फिलहाल 8110 पे मैंने स्टार्ट किया था, 8384 हो गया है, मतलब 284 किलोमीटर चल गई है कार और 8% बचा है। 8% में 30 किलोमीटर उस समय दिखा रहा था 10% पे, तो करीब 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर मैं समझता हूँ चल जाती। तो 284 प्लस 30 और मतलब लास्ट में ना 1% पे और चलती है, तो फिर भी 30 मान, तो 320 के करीब आराम से आपको रेंज मिल जाएगा इस कार में, ये तो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ। तो भाई 5% बैटरी पे आ चुके हैं और ये अब कंटिन्यूस साउंड भी सुनने को मिल रहा है, एक नोटिफिकेशन कि चार्ज कर लो एंड डेस्टिनेशन भी लेफ्ट पे आ गया, तो चार्ज कर लेते हैं। एंड 8387 किलोमीटर हमने स्टार्ट किया था 8110, तो ऑल टुगेदर 287 किलोमीटर इधर, एंड अभी मेरे को लगता है 20 किलोमीटर और चल जाएगी, बट दैट्स इट। और ज़्यादा टेस्ट नहीं करते हैं, टेस्ट करते हैं कि यहाँ पे चार्जिंग हो पाएगी कि नहीं। वहाँ पे बाहर है यार, चार्जिंग हो जाएगी फिर तो। सो भाई नेक्सॉन में आपको चार्जिंग सॉकेट खोलने के लिए यहाँ पे जैसे कन्वेंशनल कार्स में आपको पेट्रोल और फ्यूल लिड खोलने के लिए होता था ना, सिमिलर टू दैट आपको यहाँ पे नेक्सॉन में मिल जाता है फ्यूल लिड। ओपन किया एंड ये आपका 7 kW वाला चार्जर, एंड ये हो गया CCS टाइप 2 स्टैटिक का चार्जर मिल जाता है। मेरे को लगता है ऐप से ही हो जाना चाहिए, तो एक बार चेक करते हैं एंड फिर स्टार्ट करते हैं चार्जिंग। तो फाइनली दो बार चार्ज करने का कोशिश किया गया, एक बार तो अमाउंट डिडक्ट हो गया बट चार्ज नहीं लोड हो पाया, मतलब क्रेडिट्स लोड नहीं हो पाया स्टैटिक ऐप में, एंड सेकेंड टाइम में फाइनली लोड हुआ है क्रेडिट्स, तो स्टार्ट कर दिया मैंने चार्जिंग। चार्जिंग जैसे ही ऑन हो जाएगा ये आवाज़ सुन लो आप, तो कुछ ऐसा सा आवाज़ आता है, इतना जोर से आवाज़ आता है। मीनवाइल कार के MID में भी आपको अंदर डिस्प्ले करने लगता है कि क्या स्टेटस है, कितना टाइम लगेगा, कौन सा चार्जर है, अगर वॉल चार्जर है तो वॉल चार्जर लिख के आता है, अभी फास्ट चार्जिंग DC हो रहा है तो DC, एंड क्या रेंज है अभी, एंड और क्या दिखता है। एक सेकेंड मैं अनलॉक करता हूँ एंड ये किया अनलॉक, तो हाँ हाउ मच टाइम इट विल टेक, तो 1 hour 45 minutes और लगेगा, 1 hour 45 minutes और लगेगा 100% चार्ज होने में। सो कुछ ऐसा सा है। अब हम लोग जाएंगे अंदर, गाड़ी के अंदर बैठेंगे और arcade.tv एंजॉय करने का टाइम आ गया लग रहा है प्रवीण। अब ये सेफ हो गया है क्या, चार्ज हो तो गाड़ी के अंदर बैठ सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये चीज सही यार, गर्मियों में काफी घाटा हो जाता था, मान लो यही बारिश हो रही होती तो क्या करते, बाहर खड़े होते। सही बात है। तो arcade.tv में क्या कुछ फीचर आ जाता है पता है, गेम वगैरह मैंने देखा है खेलते हुए, OTT प्लेटफॉर्म भी एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हैं ना YouTube। चलो चलते हैं फिर अंदर, क्या करेंगे बाहर। तो कुछ नहीं करना है आपको, वाईफाई ऑन करना पड़ेगा अपने, मतलब हॉटस्पॉट प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने मोबाइल से, या फिर अगर आपके पास डोंगल है तो डोंगल से आप प्रोवाइड कर सकते हो। एंड कैसे होता है वो दिखाता हूँ। तो ये सॉरी होम पे जाते हैं, arcade.tv पे यहाँ से जाएंगे, एंड यू विल हैव टू प्रोवाइड अ नेटवर्क कनेक्शन। तो अभी नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, अपना वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करूँगा, मुझे लोड ऐसे काफ़ी जल्दी लोड हो जाते हैं बट आज चार्ज होते वक्त पता नहीं क्यों। और भाई 9% हो भी गया,
फास्ट चार्जिंग अच्छा है, मतलब दिस इज 60 किलोवाट, तो चार्जिंग लग रहा है काफी क्विक होने वाला है। तो भाई यहाँ से आपने वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन किया, कनेक्ट कर दिया वाईफाई, एंड चलो अब arcade.tv एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हो जो भी ऐप डाउनलोड करना है, एंड हमने फिलहाल डाउनलोड कर रखा है ये गेमिंग ऐप बीबी रेसिंग, तो इसमें सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हैं, एंड प्रवीण और मैं अभी दोनों लोग मल्टीप्लेयर भी खेलेंगे, रेस करेंगे। एंड ये देखो क्या स्पीड से चार्ज हो रहा है, तो जब भी चार्जर मिले ना 60 किलोवाट वाला ढूंढना। क्या बोलना चाहोगे प्रवीण? ये बात सच है ना, पक्का एक बार कंफर्म कर लो कि अंदर बैठ सकते हैं चार्ज होते वक्त? बिल्कुल भाई, बिल्कुल बैठ सकते हैं, इसीलिए तो arcade.tv बना है, एसी भी चल रहा है, आराम से बैठो, ओटीटी प्लेटफॉर्म एंजॉय करो। तब तो ईवी सुधर गया, दो प्लेयर लगाया जाए, खेला जाए गेम। तुम कौन सा कैरेक्टर चूज करोगे? मैं चूज करूंगा ये लड़की वाला। मैं भी आज लड़की बनता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स्ड रिलैक्स रिलैक्स। तो भाई हमारा हो चुका है गेम सेशन ऑन, गेम ऑन, एंड 11% देख रहा, मतलब अभी 9% मैंने दिखाया था, अभी 11% हो गया। अब चलो मेरे को रेस करने दो भाई, असली लाइफ में तो गाड़ी चलाएं, ये क्या है? बस लेफ्ट राइट यहाँ से होगा, ब्रेक इधर से लगाना है, एंड ऊपर में कुछ कुछ स्पेशल अटैक वाला पावर वाला सब ऑप्शन आता है। ये देखो आगे दिख रहा है, वो सारे पावर्स हैं। अरे मेरे को नहीं मिला, तुम्हें मिल गया। हाँ ये मेरे को मिला, तो आगे जो भी जिसको भी लगेगा वो डैमेज। अरे 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 आई साइट लग रहा है। चलो भाई मेरे को खेलने दो, लास्ट में बताऊंगा कौन जीता। भाई चल रहा है फर्स्ट पे, मैं सेकंड पे, मतलब रेसर तो हम दोनों हैं। अरे यार जंप नहीं मारी। ये भाई निक्का भाई जीत गए, निक्का भाई फर्स्ट आए, एंड सेकंड लीलानी भाई, लीलानी आई है। मजा आया भाई, मजा आया, एक्सपीरियंस अच्छा है, टाइम कट जाएगा, 4% एक गेम में हो गया, मतलब ऐसा चार और कितना 10 गेम और खेल लेंगे तो 40-50 हो जाएगा, बीच में कुछ वीडियो। पहले के टाइम से काफी अच्छा है ना, पहले जबरदस्ती गाड़ी के बाहर बैठे लोग देखते थे इनकी गाड़ी को क्या हो गया, ये क्यों बाहर बैठे 25-30 लाख की गाड़ी लिए। अब ये चीज काफी इम्प्रूव कर दी, पहले लगता था यार arcade.tv क्यों दे रहे हैं, गाड़ी में गेम कौन खेलता है, लेकिन अब समझ में आया गाड़ी में गेम कौन खेलता है। रौनक भाई और पीछे ऋषभ भाई भी काफी एक्साइटेड थे, तो मजा आया, और बात ही बात में 15% हो गया, तो अब चलो नेक्स्ट गेम।